चोरी करेगा दोबारा? नहीं। नशा करेगा? नहीं। फिर पूरा हमने ढूंढा, सब तरफ ढूंढा, कहीं गाड़ी मुझे दिखाई नहीं दी। आजकल नशा और चोरी कभी नहीं करूंगा भाई। जब देखा इसको ये मोबाइल उठा के निकल आता सुबह, हम लोग जब निकले तो देख रहा हूँ तो गाड़ी नहीं, मेरी बाइक पहले नीचे उतरी थी। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, एक बार फिर चोरी की घटना सामने आई है। मुंब्रा खड़ी मशीन रोड से एक चोर ने मोहम्मद हनीफ शेख का ऑटो रिक्शा चोरी करके फरार हो गया, मगर मुंब्रा रेती बंदर पर इसे इमरान सैयद नाम के एक शख्स ने पकड़ लिया। अगर ये चोर सिर्फ रिक्शा लेकर ही जाता तो शायद पकड़ा नहीं जाता, मगर खड़ी मशीन रोड से रिक्शा चोरी करने के बाद जब ये चोर मुंब्रा के रेती बंदर पहुंचा तो वहां एक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक का पहिया बदली कर रहा था और चोर ने रिक्शा साइड में खड़ा कर दिया और ट्रक ड्राइवर से मोबाइल और उसके पैसे छीन लिए और भागने लगा। उसी दौरान ट्रक ड्राइवर ने जब शोर मचाया तो इमरान सैयद नाम का शख्स वहां से गुजर रहा था और उसने इस चोर को पकड़ लिया और इससे मोबाइल और पैसे उस ट्रक चालक को वापस दिलवा दिया, जिसके बाद इसकी सूचना मुंब्रा पुलिस को दी और मौके पर मुंब्रा पुलिस भी पहुंच गई। ये पूरी घटना रात 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में हुई है। वहीं मोहम्मद हनीफ शेख जब अपनी गायब हुई रिक्शा की शिकायत लेकर मुंब्रा पुलिस स्टेशन आज सुबह पहुंचे तो वहां पहले से ही उनकी ऑटो रिक्शा खड़ी मिली। मुंब्रा पुलिस अब ऑटो रिक्शा के कागजात की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं रात में ही आरोपी को मुंब्रा पुलिस ने पकड़ लिया था और इस पूरे मामले में मोहम्मद हनीफ शेख ने क्या कुछ जानकारी दी है और इमरान सैयद ने चोर को जब पकड़ा था उस वक्त पूछताछ में उसने क्या कुछ बताया है, क्या किया तूने? मोबाइल लिया था भाई। कहाँ से लिया था? ये भाई का मोबाइल। क्या नाम है भाई तेरा? गुरमीत सिंह। कहाँ रहता भाई आप? मैं हरियाणा में 75। तो यहाँ पे मोबाइल लेके कैसा भागा आपका? मैं टायर पंचर खोल के लगा रहा था पीछे, कनेक्टर आ था, जब देखा इसको ये मोबाइल उठा के निकला था खिड़की। आपने कैसा पकड़ा इसको भाई? इसको आवाज़ दी थी, रुका नहीं, फिर भैया ने पकड़ा इसको यहाँ पे, फिर आया मैं, वो मेरे आदमी ने बताया वो पकड़ लिया वहाँ छोड़ा। तो मोबाइल आपका मिला आपको? हाँ मिल गया दोनों, पर्स भी मोबाइल। तो मोबाइल बताएंगे सर आपका क्या मोबाइल लेके, पर्स भी लेके जा रहा था? हाँ वीवो का है। क्यों लेके भाग रहा था भाई तू मोबाइल? बोल क्यों लेके भाग रहा था? बोले जल्दी बोल। भाई जो चीज़ ज़्यादा दे दिया ना भाई। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद हनीफ हबीब जान शेख है। अच्छा, ये जो रिक्शा अभी पुलिस स्टेशन में खड़ी है ये आपकी चोरी हो गई थी रात में? जी ये रात को मैं जब गाड़ी 11:20 पे मैंने कुछ गाड़ी खड़ा किया, 11:12 बजे करीब जो भी जो टाइम रहा होगा, मैं अपनी गाड़ी खड़ा करके अपने घर पर चला गया। सुल्ताना पैलेस में 5 माले पर रहता हूँ मैं। अपने घर पर गया, खाया पिया, सो गया। सुबह हम लोग जब निकले तो देख रहा हूँ तो गाड़ी नहीं, मेरी बाइक पहले नीचे उतरी थी, तो हम लोग गए देखे तो गाड़ी नहीं है। तो बोले गाड़ी कहाँ चले गए? बोला क्या पता नहीं गाड़ी कहाँ, आ रहा हूँ नीचे। तुरंत मैं भी उतरा, फिर पूरा हमने ढूंढा, सब तरफ ढूंढा, कहीं गाड़ी मुझे दिखाई नहीं दी। तो हम लोग पूरा ढूंढते गए तो फिर मैं बोला भाई से बात किया तो भाई बोले पहले चौकी में जाओ, कंप्लेंट करो आप। तो मैं पुलिस स्टेशन में आया, जैसे पुलिस स्टेशन में आया हूँ तो वैसे मुझे गाड़ी सामने दिखाई दी। हमने कहा चलो गाड़ी यहाँ है तो इसका मतलब फिर आरोपी भी यहीं होगा, मगर ये हमारे मुंब्रा में बहुत हद से ज़्यादा हो रहा है। तो क्या पुलिस वालों ने क्या बताया कैसे गाड़ी यहाँ आई, कुछ आरोपी पकड़ा गया है? अभी तक मुझे साहब से कुछ बात नहीं, साहब ने ये कहे कि आप गाड़ी के पेपर ले आओ फिर हम आगे देखते क्या है। तो गाड़ी के पूरे पेपर है आपके? गाड़ी के पेपर पूरे हैं मेरे पास ही रखे हुए, और इस वक्त मेरे पास गाड़ी में जोरेक्स पूरे रखे हुए हैं, जो गाड़ी के जोरेक्स पेपर है। मैं देखा डिक्की वगैरह कुछ टूटी नहीं है, सब वैसी। अब इसके पहले भी 3 मरतबा मेरे गाड़ी में बैटरी, 2 मरतबा चोरी हुई, 1 बार स्टेपनी चोरी हुई इसी गाड़ी से, उसी जगह से।